हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में 4 मई का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम मेनली 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आपका क्या है, स्लो रिलीज़। ये किस रिलेटेड है? ये कोविड-19 से रिलेटेड है। क्या है, क्या है दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कोविड-19 के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो इसी के चलते सरकार ने जो लॉकडाउन है उसका वो उसको 2 हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया, 17 मई तक। तो इसी के चलते जो है सरकार ने कुछ एरियाज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है या कुछ जो भी शॉप्स वगैरह हैं उसको ओपन करने की बात की है। और उसी के मद्देनज़र कुछ क्या बोलते हैं अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं। और वो जोन्स कौन कौन से हैं, तो आपके रेड रेड जोन्स हैं, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। और ये किस बिना पे बनाए गए हैं कि वहाँ कितने नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना वायरस के और डबलिंग रेट कितना है, मतलब कितनी तेज़ वो बढ़ रहा है। और क्या है दोस्तों कि वहाँ पे जो इफेक्टिव सर्विलांस सिस्टम है और टेस्टिंग है वो किस हद तक, वो उसकी रीच कितनी है, उसी के बेसिस पे इन 3 जोन्स को जो है बनाया गया है। तो जो आपका रेड जोन है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और जो डबलिंग रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अलाउ करेंगे, जिसमें आपके आपका जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें आपका मतलब कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स के अलावा नहीं जा सकते, जो आपके प्राइवेट मीन्स कैब वगैरह फिर कार वगैरह हैं उसकी बात कर रहे हैं। और जो आपकी मोटर बाइक है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन जो है जा सकता है। और क्या किए हैं, और जो आपका ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ है, आपका जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह, उससे आपका सिर्फ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है उसी की डिलीवरी होगी, नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ की डिलीवरी नहीं होगी। और जो लिकर शॉप है वो भी जो है ओपन रहेगी। और जितने भी क्या बोलते हैं मीन्स ऑफिसर्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट ऑफिस कोई ऑफिस है उसमें 1/3 उसकी स्ट्रेंथ जो है को जो है उन्होंने साइन किया है। और उस और आपका नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या किए हैं, जिसमें केसेस कम आए हैं और डबलिंग रेट भी थोड़ा सा कम है आपका रेड जोन्स के अपेक्षा। इसमें क्या है, इसमें जितने भी आपकी वो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और जो नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं ई कॉमर्स के थ्रू उसको अलाउ किया गया है। और जो लिकर शॉप है उसको भी ओपन किया गया है इसमें। थर्ड आपका क्या है, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में क्या है, ग्रीन जोन में ये है कि ऐसे प्लेसेस जहाँ में 21 दिन तक जो है कोई भी केसेस नहीं आए हैं और उसमें जो है सारी एक्टिविटीज़ को अलाउ किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नेशनली नेशनली जो है उसको मीन्स जो बंद है उसको अलाउ नहीं किया। जैसे आपका एयर ट्रैवल हो गया, आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अलाउ किए हैं बस वगैरह को, जिसमें सिर्फ 50% उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। और भी उसमें काफ़ी चीज़ें जो आपका मीन्स नेशनली बंद है उस वो चीज़ उसमें बंद रहेंगी, बाकी सब उसमें ओपन रहेंगी। आपका 3 जोन को डिवाइड किए हुए हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा उसको रिवाइव किया जा सके। तो ये सब बातें कर रहे हैं, बाकी हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं जो भी इसमें इंफॉर्मेशन वो हमारे रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है कि वेस्ट बंगाल जो आपका स्टेट है वो आपका 4th पॉपुलस स्टेट है पूरे अपने कंट्री में, इंडिया में। तो उसमें ये देखा गया है कि जो ना जो टेस्टिंग रेट है और जो क्या बोलते हैं जो भी उनका मीन्स सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत ही पुअर वहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे केसेस नंबर ऑफ केसेस बहुत कम आए हैं। और हम जानते हैं कि कोलकाता जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो ऐसा 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 बिल्कुल जो उसमें केसेस आ रहे हैं वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे केसेस जो भी टेस्टिंग वगैरह है और जो उनका सर्विलांस सिस्टम है वो प्रॉपरली मीन्स जो, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं अलग स्टेट में, आपके महाराष्ट्र में, केरल में, और भी देखिए जहाँ भी आपका आपका जैसे राजस्थान हो, गुजरात हो गया, दिल्ली में, तो जो केसेस नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी बढ़ने की मीन्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक जो जो सिटी है मतलब मोस्ट पॉपुलस है मेन चीज़, और क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन है, मतलब कि फॉरेन कंट्री से उसका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे केसेस बढ़ना लाजमी था। लेकिन बजाय वहाँ पे जो टेस्टिंग है उसका रेट बहुत कम है, तो वो बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी ट्रू नंबर जो है मालूम पड़ जाएगा होगा, नहीं तो कितने नंबर ऑफ केसेस ऐसे होंगे जो अनडिटेक्ट होंगे
और फिर वो जो है पैनिक क्रिएट कर सकते हैं भविष्य में, और जिससे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होगा। ये पूरे आर्टिकल में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था हमारे लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये क्या है? इंडियाज़ डिजीज सर्विलांस सिस्टम नीड्स अ रिबूट। मतलब जो आपका डिजीज़, जो आपके बीमारियों का जो सर्विलांस सिस्टम है इंडिया में, वो बहुत ही वीक है। तो हम जान लेते हैं कि शॉर्ट में कि सर्विलांस सिस्टम क्या होता है। ये मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर आपका, जैसे अगर आप जनरल टर्म में बात करते हैं, फ़ोन को ही ले लीजिए आप। जैसे फ़ोन में जब उसको, जब फ़ोन को सर्विलांस लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसी फ़ोन की लोकेशन को, और फिर उस पर प्रॉपरली एक्शन लिया जाता है, उनके मूवमेंट को कर्टेल किया जाता है। इसी प्रकार जो अगर हम बात करते हैं डिजीज़ के परिप्रेक्ष्य में, तो डिजीज़ मतलब कोई भी डिजीज़ मान लीजिए उसका आउटब्रेक हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करें पहले ना कि ये डिजीज़ है, फिर उस पर प्रॉपरली एक्शन लिया जाए ताकि उसको कंटेन किया जाए, फिर जो भी उसमें मीजर्स उसको लिए जाएँ। तो इंडिया में जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ही पुअर हैं, ये पूरे आर्टिकल में बता रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे क्या बोलते हैं, जो डेथ हुई है मेनली हमारे इंडिया में, जो जो आपके जो 60 ईयर्स या उसके अबव एज ग्रुप है, उसमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, वो आपका 75.3% डेथ उसी में हुई है। और क्या है, और जो भी, और जो आपके 83% डेथ हुई है अपने इंडिया में, उनमें पहले से ही कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, जो भी आपका, हमने बात किया था पहले भी कि जो भी या तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, या तो उनको पहले ही कोई बीमारी है, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, या फिर माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, या फिर अलग अलग उनको कोमोबिडिटीज़, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, आपका किडनी का इशू है, हार्ट का इशू है, तो ऐसे केसेस बहुत देखने को मिले हैं। और फिर इनको आगे बहुत दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है जिसको जो है पर मंथ या फिर पर वीक जो है फॉलोअप के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ बंद हो, क्योंकि हर हॉस्पिटल में जो उनका ओपीडी है, जो आउट पेशेंट केयर फैसिलिटी होती है, उसको बंद करके सिर्फ जो इमरजेंसी फैसिलिटी है उसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पहले जिनके प्रॉब्लम है, जिनको पहले से इलनेस है, वो प्रॉपर चेकअप नहीं करा पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। और क्या दिक्कत हो रही है, जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, आप जैसे कोई भी, जैसे हम देखे होंगे हॉस्पिटल में कि जैसे आपका अलग अलग मीन्स आपका, जैसे क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट का अलग होता है विभाग, कार्डियोलॉजिस्ट का अलग होता है, न्यूरोलॉजी का अलग होता है, लेकिन अभी क्या, अभी केस जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो सारे वार्ड्स को जो है उन्होंने आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे जो प्री एग्जिस्टिंग जो डिज़ीज़ हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे डिजीज़ को टीबी है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को कोई भी किडनी का इशू है, तो वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इससे सिचुएशन और एग्रेवेट हो रही है फ्यूचर में, या हो सकती है। तो इसकी बात करते हैं आगे। फिर आगे नेक्स्ट बात करती हैं कि जो भी हमारे यहाँ, हमने बात किया कि जो सर्विलांस सिस्टम है वो क्यों वीक है, और उसमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी इल पर्सन है, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या कह रहे हैं, पहला तो ये है कि लोग क्या बोलते हैं, मिस लोगों के पास जो एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ही पुअर है। जो हमारे मेनली आपके पुअर और मार्जिनलाइज पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है जो प्रॉपर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको उसको वो नहीं पा मिस पाते हैं। और इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि जो हमारे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे वो सही उपचार नहीं ले पाते हैं, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत महंगी फीस चार्ज करते हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, फिर जो वो आपके क्वैक्स होते हैं, जो आपके झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं, और उनसे फिर उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सस्ते दाम पर उनको दवाई मिलती है। तो पहला तो इशू ये बता रहे हैं इसमें सर्विलांस सिस्टम में। और दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि जैसे जो भी मान लीजिए जो भी पर्सन क्या होता है इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, या उसको मान लीजिए उसको प्रॉपर हेल्थ सुविधाएं मिल भी जाती हैं, लेकिन जो एक रिक्वायर्ड टेस्टिंग होती है, जैसे ब्लड का हो गया, सीरम का हो गया, जैसे स्वैब स्पूटम का हो गया, यूरिन टेस्ट होता है, तभी तो ये सब जो है टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सब भी जो है क्या बोलते हैं वो प्रॉपरली जो है नहीं पाते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये बता रहे हैं डिजीज सर्विलांस सिस्टम में। तीसरा प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं, तीसरा प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि जो कैटेगरी ऑफ डिजीज़ है
उसको जो है जो प्री एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है डिजीज़ का, उसी में उसको डाल दिया जाता है। मतलब कि जैसे उसके जैसे क्योंकि भाई देखिए कोई भी डिजीज़ है, मान लीजिए कोई मान लीजिए प्रॉपरली कोई एक मान लीजिए कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई वायरल डिजीज़ है, कोई आपका फंगल डिजीज़ है, तो उसका सब कैटेगराइजेशन होता है। उसके जो पैथोजेंस होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई भी डिज़ीज़ होती है उसको अभी हम आगे बात करेंगे उसको किस तरह क्या बोलते हैं कैटेगराइज करते हैं, तो उसको उसी तरह क्या बोलते हैं डाल देते हैं उसी में। तो इससे प्रॉपरली क्या बोलते हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो हमने बात की सर्विलांस का, मतलब जब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो किस कैटेगरी का वायरस है, किस हैं क्या उसके स्ट्रेन है, अगर वही हमको क्लियर नहीं होगा तो कैसे उस डिजीज़ को कंटेन किया जाएगा। तो ये तीन मुख्य प्रॉब्लम बता रही हैं। फिर आगे बता रही हैं कि हमारे इंडिया में इससे क्या हुआ है, इससे एक साइलेंट पैंडेमिक हुआ है। जैसे अभी साइलेंट एपिडेमिक हुआ है। तो ये क्या साइलेंट एपिडेमिक, मतलब आपका क्या हुआ, जैसे हम देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो एपिडेमिक भी होता है। एपिडेमिक मतलब होता है किसी पार्टिकुलर लोकेशन, मतलब कोई मान लीजिए कोई स्टेट है या फिर है कोई कोई कि कोई भी एक पार्टिकुलर कंट्री या फिर स्टेट है उसी में कोई डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है तो उसको हम कहेंगे एपिडेमिक। तो साइलेंट एपिडेमिक मतलब कि ये लोगों जो सरकार है उसके द्वारा अननोटिस्ड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कैटेगराइजेशन की लास्ट में, तो शुरुआत करती हैं इसी की कि क्या बोलते हैं डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाता है कि वो किस डेफिनेट कैटेगरी का है। तो उसको कैसे कह रहे हैं, कोई भी बहुत सारी होती बीमारियां उसको सिंपल जनरिक जो उसका नाम होता है उसी में डाल देते हैं। जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब अगर सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसी में डाल देंगे। फिर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसमें डाल देंगे। या आपका फिर आपका एक्यूट फेब्राइल इलनेस है या एक्यूट अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है, तो ये सब कुछ कैटेगरीज है जिसमें कोई बीमारी, जब आपको बीमारी आपको बुखार होता है, फिर आपको खांसी का जुकाम होता है, तो उसको इन सब कैटेगरीज में डाल देते हैं, उसको अलग से स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो ये पहला पहला प्रॉब्लम बता रही हैं। तो मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको अगर नहीं होगा क्या बोलते हैं कैटेगराइजेशन तब भी तो इशू होगा। और फिर नेक्स्ट इशू क्या बता रही हैं, नेक्स्ट इशू बता रही हैं कि अगर मान लीजिए डेफिनेट कॉज मालूम भी हो जाता है, अगर उसको जो है एक डेफिनेट कैटेगरी दे भी दिए जाता है, तब फिर क्या बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हो। इनका इसका क्या मतलब हो, कहने का मतलब है मान लीजिए उसका कैटेगराइजेशन हो जाता है और फिर उसका कॉज भी हम लोगों को मालूम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक उस पर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए वो कैरी फॉरवर्ड हो, नहीं होती है। क्योंकि इसमें आगे बता रही हैं, क्योंकि जो एक हमारा क्या बोलते हैं प्राइवेट जितने भी आपके वो हैं प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो प्रॉपरली जो है उसको उसको ध्यान से नहीं करती हैं, और फिर जिससे जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो भी जो है फिक्स नहीं हो पाती है। और मतलब आप समझिए, ध्यान ध्यान से इसको समझिए कि जब भी कोई किसी भी का कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है वायरस है, उसका कैटेगराइजेशन मान लीजिए हो भी गया तो ज़रूरी नहीं कि अगर हो गया तो फिर वो फाइनल हो गया। उस पर प्रॉपरली साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत होती है। हमारे इंडिया में रिसर्च जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो पुअर है, तो अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो कैसे मालूम करेंगे वो किस, अगर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जाएगी तो कैसे मालूम करेंगे कि एक प्रॉपर मेडिकेशन की आवश्यकता है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम जो है इसमें बता रहे हैं कि साइलेंट पैंडेमिक जब होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। पहला तो हमने जाना कि वही कैटेगराइजेशन, दूसरा जाना कि साइंटिफिक रिसर्च, अब तीसरा बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है, उसमें रिसर्च भी हो जाता है, तो जो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है, जो एक गवर्नमेंट का रिएक्शन है वो भी नहीं मिलता है। ये हम जान लेते हैं इसको, अगर आपको इसको समझना है तो जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसका सब कुछ क्लियर है, उसका पता है कि ये डिजीज़ है, ये कहाँ कहाँ पर अफेक्ट करता है, लंग्स में करता है, कभी कभी हमारे जो है स्टमक में भी करता है, मतलब इसको इसके अलग अलग होते हैं, फिट होते हैं, तो इसको हमको सब पता है, इसकी मेडिसिन भी प्रॉपरली हम लोगों को पता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो है क्या बोलते हैं जो इसमें रिएक्शन है वो बहुत ही पुअर है। अगर इसके कुछ डेटा देखते हैं तो हर 10 सेकेंड में जो है एक टीबी पेशेंट की जो है क्या बोलते हैं वो डेथ होती है। इसमें आगे बता रहे हैं, सॉरी, इसमें क्या बता रहे हैं कि हर 10 सेकेंड में एक पर्सन को क्या बोलते हैं टीबी से वो ग्रसित होता है। और इंडिया में बता रहे हैं, इंडिया में बता रहे हैं कि हर साल जो है हर दिन सॉरी हर दिन जो है इस टीबी से जो है 1400 लोग कम से कम जो है क्या बोलते हैं
मरते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो जो हमने एक पहले बात की थी हर्ड इम्यूनिटी वाले वीडियो में, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर मतलब क्या है कि कोई भी जब वायरस या फिर कोई भी आपका पैथोजेन है, वो अपने अपने पूरे पीरियड में जब भी वो इन्फेक्ट मतलब कि जब तक उसका क्या बोलते हैं एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है, तो वो अपने पूरे पीरियड में कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे COVID-19 का जो है 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है 1 पर्सन, जब भी उसको क्या बोलते हैं कोरोना वायरस अटैक करता है, ठीक है, अपने पूरे पीरियड, जब भी उसको क्या बोलते हैं एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है या उसके बाद। लेकिन अगर आप ध्यान देखिए टीबी का, तो टीबी का तो जो हमारे रिप्रोडक्शन नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब अंत में क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं कि जो भी हमारी डिजीज, जैसे ये पैंडेमिक है COVID-19, तो इससे पूरा विश्व, इस पूरा विश्व प्रभावित हुआ, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। तो इसीलिए जो इसमें एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन का देखिए रिसर्च तेज हो रही, जो सरकार कदम उठा रहे हैं, खैर ये पैंडेमिक महामारी है तो उसमें सरकार को तो उठाना कदम लाजमी ही था। लेकिन अगर आप देखिए जो टीबी है, ये आपका पुअर मैन डिजीज़ है, मतलब ये पुअर पर्सन को ज़्यादा होता है, जैसे जो अनहाइजीनिक लोग रहते हैं तरीकों से, या फिर जो यहाँ पे हाँ, तो उनको ज़्यादातर होता है। तो मतलब ये पुअर मैन डिजीज़ है, इसीलिए सरकार का जो इस पे नज़रिया है वो बहुत ही वीक है। और अगर इसकी बात करें COVID-19 का भी, और जो है डिजीज़ कैंसर्स हो गया, ये सब हो गया, उसमें देखिए जो डिजीज़ है और जो सरकार का रवैया है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप जो हमने बात की ये इसकी अंत में क्या बात करते हैं, अंत में बात करते हैं कि जो जैसे जो ये है जो हमारा COVID-19 है, जिसमें हमने देखा कि जो पहले जिसको कोमोरबिडिटीज़ है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है, तो ये असर्टेन करना भी डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो COVID-19 से डेथ हुई है कि जो उनको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है या डिजीज़ है उसके कारण डेथ हुई है, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पा रहा है, या प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उससे भी डेथ हो रही है। तो इस समय ज़रूरत ये है कि जो एक साइलेंट पैंडेमिक क्रिएट हो रहा है, जिसकी जो अननोटिस जो सरकार के नज़र में नहीं आया है, उस पे भी जो है सरकार को अटेंशन देने की आवश्यकता है, वरना जो है फेटलिटी रेट ज़्यादा होगा और ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि COVID-19 से डेथ हुई है या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उससे हुई है। तो ये पूरा आर्टिकल था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका ब्रिक्स अगेंस्ट COVID-19। ब्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, ये ब्रिक्स आपका एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया अफ्रीका और जो हमारा रशिया है, जो यूरेशियन माता है उसमें, उसकी कंट्रीज़ में है। अब जानते हैं ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये दोस्तों 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब इस्टेब्लिश हुआ था तब ये सिर्फ ब्रिक था, मतलब BRIC, लेकिन ये 2010 में साउथ अफ्रीका जब इसमें ऐड हुआ तब ये 2010 में, तो ये हो गया ब्रिक्स। और फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका जो हेडक्वार्टर आपका डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी। और क्या है तो, और हाँ, और इसका जो अभी रिसेंट समिट कहाँ हुआ था, नवंबर नवंबर में हुआ था 2019 में ब्राज़ील में, और नेक्स्ट समिट होने वाला है जुलाई 2020 में, जो कि अभी क्या बोलते हैं एक अधर में फंसा हुआ कि वो होगा या नहीं होगा। तो और इसी में आपके ब्रिक्स संगठन में ही एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB की जो है क्या बोलते हैं स्थापना हुई थी। ये कब हुआ था, 2014 में, जब छठवां समिट हुआ था ब्रिक्स का फोर्टालिजा में, ब्राज़ील में, तब इसको साइन किया गया था। लेकिन ये 7वें ब्रिक्स समिट 2015 में जब क्या बोलते हैं ये इन्फोर्स मतलब कि बिल्कुल काम करना चालू किया था। और इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई चाइना में है। तो ये है, ये तो आपका क्या बोलते हैं ब्रिक्स के बारे में बात हुई। तो अभी क्या होगा, अभी जो ब्रिक्स जितने कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, इसमें सबने जो है COVID-19 में जो है काफ़ी अच्छा काम किया है और अपनी पोटेंशियल को शो किया है। जैसे इंडिया ने जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन था वो ऑलमोस्ट जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं उनको उनको दिया, बल्कि जो अदर यूरोपियन कंट्री जैसे US हो गया, आपका ब्राज़ील हो गया, इसराइल हो गया, रशिया हो गया, वहाँ भी इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो है डिलीवरी की है। तो इससे जो है जो एक इंडिया इंडिया का जो एक फार्मा मीन्स
सेक्टर है उसका पोटेंशियल उसका शो करता है। और आगे जो भी हमारे मीन्स ब्रिक्स कंट्रीज है उसमें वैक्सीनेशन को डेवलप करने का एक कोलेबोरेशन देखने को मिल सकता है। फिर आगे बात करते हैं चाइना का। चाइना ने भी जो है काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको इस सिचुएशन को टैप किया है, और जितने भी उनके प्रोडक्शनल क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट था उसको उसको एक्सपोर्ट किया है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इससे और भी काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, मेडिसिन वगैरह काफ़ी, और जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो इंडिया ने खुद वहाँ से ऑर्डर किया था, अलग कंट्री ने ऑर्डर किया था, तो ये शो करता है। दूसरा हमारा कौन सा कंट्री है, रशिया। रशिया ने भी जो है काफ़ी हद तक जो है इटली में देखिए काफ़ी उन्होंने जो है हद तक किया, और यूएसए में भी जो है काफ़ी मेडिकल सप्लाई वगैरह किया था उन्होंने जो है। और तीसरा आपको जो है साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उन्होंने भी जो है अफ्रीकन यूनियन पूरी यूनियन अपने पूरा अफ्रीका में जो भी कोविड-19 के रिस्पॉन्स में किया जो है उसको वो उसने उसको सबने जो है देखा, उसकी काफ़ी सराहना भी हुई। लेकिन जो ब्राज़ील कंट्री है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इन पाँचों जो पाँच कंट्री ने बात की ब्रिक्स में, वो थोड़ा सा उसमें कम जो है अपना वो दिखाया रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो झेल रहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है आगे इसमें बताते हैं, ये फॉरवर्ड बताते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है जो हमारी अलग जो मीन्स कोविड-19 को कंटेन करने के लिए अलग जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा आपका जो आपका WHO है, यूरोपियन कंट्रीज हो आपकी हो गई, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इन सबसे जो है कोलेबोरेट करके इस एक जो हमारे कोविड-19 है उसको कंटेन करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और जो आपका एक ह्यूमन ह्यूमैटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ मीज़र्स हैं उसको लेने में जो है ये कोलेबोरेशन काफ़ी हद तक जो है एक सक्सेसफुल हो सकता है। और आगे क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि जो हमने बात किया था NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने जो है काफ़ी मीन्स एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अलग अलग कंट्रीज़ को दिया है, इंडिया ने मीन्स इंडिया को भी दिया है, चाइना ने भी जो है लिया है, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, अलग अलग कंट्री जो है इसको क्या बोलते हैं ये दिया है। तो इसका मतलब ये है कि NDB जो है इसको आगे मतलब जो भी कोई भी आगे नेचुरल डिज़ास्टर मान लीजिए आता है तो इसमें उसको एज अ एग्जाम्पल और एज अ टूल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी आगे डिज़ास्टर को कंटेन करने के लिए। तो ये पूरा इस आर्टिकल में बात किए हैं। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक।